गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी सो के उठ गया हूँ मैं। रात को ठंड बहुत थी और आज मैं आपको एक सरप्राइज दिखाता हूँ। ये वाली गाय इसकी नानी है, ये हमने हमारे घर से गई है पहले, तो ये मामा कल लेके आए हैं इनको मामा जी के घर से, क्योंकि मामा जी के घर पे थी। ये है, मारती है मुझे। हाँ नहीं, ठीक है, अब दोनों दोनों हो गई, तो अब इनका मन लगा रहेगा दोनों का। लो जी, ट्रक स्टार्ट हो गया। खाओ खाओ। हाँ हाँ हाँ, नीचे क्यों गिरा दी इसको? दे एक दो, एक मिनट में खाएगी, डेली खाती है ना ये बेचारी, नहीं है अभी तो। गाड़ी मेरी गर्म हो गई है अभी, और मैं और मम्मी जा रहे हैं अपने देवते जी के। तो अभी हम निकल गए हैं, सुबह का 8:30 बजे का टाइम है अभी, और आज इतनी धुंध ज्यादा नहीं है, हल्का हल्का ही धुंध आप देख पा रहे होंगे रोड पे। मम्मी जी कैसे हो? ठीक है। कहाँ पे गए थे आप? 2-3 दिन दिखे नहीं। अपने मायके गई थी। अच्छा, मामा जी के घर गए थे आप? हरिद्वार गए थे ना, उनके घर गई थी। अच्छा, वहाँ रहे। ओके, तो आप गाय भी लेके आए कल? नहीं आए ना। उन्होंने गाय भी दी, बोलते दूध पी लेना। दूध नहीं है ना आजकल हमारे घर पे। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं? हम अपने कुल देवता के जा रहे हैं। पहला दूध ना गाय का कुल देवते के चढ़ाएंगे, हम खाएंगे। बिल्कुल सही बात, हमारी ये परंपरा है ना, प्राणी है ना। हाँ, प्राणी है। जो हमारे गाय जो बछड़ा देती है, साल बाद सूती है, उसको पहला 21 दिन के बाद हम दूध अपने देवते के चढ़ाते हैं, फिर बाद में हम खाते हैं। सही बात है। भैंस सुबह तभी चढ़ाना, गाय सुबह तभी चढ़ाना। सही बात है, सही बात है। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं अपने कुल देवता जी के मंदिर, आपको भी दिखाता हूँ मैं अपने कुल देवता जी का मंदिर। वो एकदम नेशनल हाईवे पे है, तो यहाँ से आई थिंक 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो अभी मैं पहुंच गया हूं हाईवे पे, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमने हाईवे पे गाड़ी खड़ी कर दी, और यही है हमारे, जो ये भी हमारे घर है ना, तो यहीं पे हमारे देवता जी की जगह है, वो भी आपको मैं टेंपल दिखाता हूँ। ये हमारा मेन हाईवे है, यहाँ से हम नीचे बॉर्डर की रोड जाते हैं। इस जगह का नाम है जी चढ़वाल, चढ़वाल मोड़ है ना, और ये जाता है रोड पठानकोट को, दिल्ली नेशनल हाईवे, और ये जाता है कश्मीर से लद्दाख। और यहाँ सुबह सुबह रोटी बन रही है, क्या बना रहे हो? फुलके बना दे। वाह, और ये रहा मेरे देवता जी का मंदिर। यहाँ हमें हर 6 महीने में यहाँ पे हमारे भंडारा होता है। ये जी हमारी बुआ जी का घर है, और यहाँ पे देखो सुबह सुबह बुआ जी क्या कर रहे हो अभी सुबह सुबह? अच्छा, मुझे भी खिलाओगे ना? हाँ ठीक है, बनाओ फिर, फटाफट बनाओ। वहाँ से वापिस आ गए और यहाँ कोल्लू पे रुकेंगे, क्योंकि गाय माता के लिए थोड़ी सी खल लेके जाना है ना मम्मी? क्या लेना है? खल। ओके, अभी लेते हैं जरा। हाँ मित्रा, खाला है? नहीं, ठीक है। 15 केजी डाल दो।
और दोस्तों ये है सरसों की खल और ये इस मशीन में निकलती है। गाय को डालेंगे तो दूध मिलेगा? हाँ बिल्कुल, गाय को डालेंगे तो तभी दूध देगी वो, अदरवाइज बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वैसे हरा घास भी चल पड़ा है आजकल। अभी लोड कर दी है गाड़ी में, 15 किलो ही ली हमने। हाँ जी मारे कुछ रखनी है शेड अंदर। लो जी ये पीछे अभी शेड में रखेंगे। यहाँ पे अभी दिखाता हूँ आपको अपना गाय माता जी का शेड जिसमें हम सारा सामान रखते हैं। खुल जा भाई साहब। ओ भाई ये सारा सारा सिस्टम, ये देखो गाय के लिए ये भूसा है, तूड़ी बोलते हैं इसको, ये हरा घास है, इतना ही लाते हैं हम जितना वो खा पाती है डेली। ज़्यादा एक्स्ट्रा लाएंगे तो फिर वेस्टेज हो जाता है। तो अभी मैं यहाँ कठुआ शहर आ गया था बच्चों को। कहाँ जा रहे हो आज? ये भी मेरी भतीजी है ना। कहाँ जा रही? मासी के घर। मासी के घर जा रही? कब आएगी वापस? आ जाऊंगी। ये अपनी मौसी के घर आए हैं आज। ठीक है जाओ फिर तुम लोग हैं है? अरे बाद में आऊंगा, जाने दे मुझे अब। चल ठीक है ना, बाय। अभी यहाँ पे हम मूंगफली ले रहे थे, ये भाई मिलने आए हैं। भाई कहाँ से हो आप? कठुआ से भैया। अपना नाम बताओ। विशु। और भाई का? भैया वीडियो देख रहे हो? कैसी लग रही भैया? मस्त लग रही है ना भैया? को लाइक और शेयर कर, कमेंट जरूर करिए। ओ फुल पावर भाई हो। तो अभी मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पंजाब में सुजानपुर 5 नंबर, और मेरी गाड़ी देखो अभी अलाइनमेंट के लिए खड़ी है यहाँ पे। अलाइनमेंट करवानी पड़ेगी यार, ऑफ रोडिंग की ना तो थोड़ी बहुत अलाइनमेंट आउट हो जाती है कोई भी गाड़ी हो। तो अभी हम कल निकलेंगे मनाली के लिए, तो उसके लिए पहले हमारे को अपनी गाड़ी रेडी चाहिए, तो इसलिए मैं पंजाब में आ गया। पंजाब दूर नहीं है, हमारे डिस्ट्रिक्ट के साथ ही पंजाब लगता है। आप मेरी गाड़ी देख पा रहे होंगे, भाई साहब लेके आए हैं चेक करके ले, ये देखो। और भाई साहब पूरा मजा ले रहे हैं राइड का, गुरखा राइड। भाई अलाइनमेंट बहुत अच्छी करते हैं। भाजी कैसी चल रही है अब? बढ़िया चल रही है, अब तो नहीं बबलिंग कर रहा इसका स्टीयरिंग है? है ना, बबलिंग थोड़ी हटा दो यार इसकी प्लीज। और भाई साहब बहुत अच्छी पठानकोट एरिया में बहुत अच्छा मतलब अलाइनमेंट का सुजानपुर 5 नंबर में काम करते हैं। तो अभी हमारी गाड़ी की अलाइनमेंट ओके हो गई। भाई साहब ओके है सारा सिस्टम? ओके है, कोई टेंशन तो नहीं होगी अब ऑफ रोडिंग करते हुए? ओके है, थैंक यू। तो अभी यहाँ से भाई साहब आए, मेरी गाड़ी बाहर निकालेंगे और हम भी चेक करेंगे गाड़ी क्या रिस्पांस दे रही है चलने में। पहले ही इसका जो एक टायर था वो आवाज़ बहुत कर रहा था, क्योंकि वो टायर डिफरेंट है इन चारों टायरों से। तो अभी मैंने स्टपनी में लगा दिया है, और ये वाला जो पहले था 4x4 नानकांग इसको लगा दिया फिर से। अभी ये भाई साहब जिन्होंने मेरी गाड़ी का काम किया है, और ये उस्ताद जी बोल रहे हैं हम एक सेल्फी लेना चाहते हैं, फोटो लेना चाहते हैं गाड़ी का। बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, एक छोड़ के 4 ले लो आप। कैसा भाई फील हो रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है। ओके जी, और लो जी ये हम
घुस गए अभी अपनी स्टेट में जे एंड के में। ये सरहद है, ये जे पुल है बीच में, आधा पंजाब में आधा जम्मू में। तो अभी हम अपने यहाँ फार्म में पहुंच गए भाई के, और यहाँ पे भाई ने किचन का उद्घाटन किया आज। आप भाई क्या बना रहे हो यार? मैं क्या बना रहे हो भाई? आज चाय बनेगी पहले, फिर बनेगा ब्रेड। और यहाँ पे अभी चाय शाय ब्रेड का इंतजाम कर रहे हैं हम। ये आज ही लगाई है भाई ने, यहीं पे खाएंगे पिएंगे। ये आ गई अपनी सब्जी सब्जी आलू प्याज वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल सही है। हाँ 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 सही बात है। हाँ बाकी इसमें बर्तन बर्तन फिल कर दो, मैं मनाली जा रहा हूँ। मनाली आते ही मैं यहीं रुका करूंगा, घर नहीं जाया करूंगा। हाँ सही बात है, सही बात है, सही बात है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक अगेन इन न्यू वीडियो। तो रात को थे हम यहाँ फार्म में, अब देख पा रहे होंगे यहीं हम सोए थे, ये हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, सुबह का 7:30 बजे का टाइम हो गया है। देखता हूँ, मेरे को तैयारी भी करनी है, आज निकलना भी है। ये गाड़ी एक साइड पर क्यों झुकी हुई है भाई? ओह शिट, सुबह सुबह मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, आप देख पा रहे होंगे। तो अभी मेरी पैकिंग आप देख पा रहे होंगे, ये सारे कपड़े मैं साथ में लेके जा रहा हूँ, और गाड़ी में भी मैंने सामान डाल दिए गाड़ी। और ये स्लीपिंग बैग, ये टेंट, ये है ना पोर्ट्रेट गैस, और ये मैट्रेस। अभी मैं आज रजाई भी लेके जा रहा हूँ, और स्लीपिंग बैग भी लेके जा रहा हूँ, और ये हमारे यहाँ गैस, और ये हमारा खाने पीने का सामान इसमें। तो आज हम निकल जाएंगे, 10 बजे है सुबह के, 11 बजे तक निकल जाएंगे, और दिखाते हैं आपको ऑन द वे का नज़ारा कैसा रहता है। ठीक है दोस्तों, अभी हम निकल रहा हूँ, अंकिश मेरा वेट कर रहा है रास्ते में। और ये मेरी गाड़ी का भी टायर पंचर हो गया था, इसको मैंने अभी फिट करवाना है रास्ते में। ठीक है फिर, है ना, चलता हूँ मैं, जल्दी आऊँगा 2 महीने के बाद। तो अभी मैं पहुंच गया हूँ अंकुश के घर।
लो जी, अभी हमने अपनी जे एंड के स्टेट को गुड बाय कर दिया है। कितने दिन के लिए किया भाई? पता नहीं, बट एक महीने का तो है ही है कम से कम। हाँ सही है, एक महीने का तो है ही है। और अभी हम निकल रहे हैं, अभी हम पंजाब में घुसने वाले हैं। ये हमारी जे एंड की सरहद है। तो अभी हम वापिस पठानकोट आ गए हैं बंटी कार स्कैनर पे गुरखा लेके, क्योंकि मेरी गाड़ी के हॉर्न खराब हो गए हैं। पता नहीं यार क्या हो गए इनको, अभी 2 महीने पहले ही डाले थे और ये कुछ ऐसे हॉर्न हैं। पिया के क्रेटा के हॉर्न हैं ये डालने वालों क्रेटा वाले। बढ़िया जी, बढ़िया। आप बताओ, अभी कल ही आपका व्लॉग देखा मैंने। अच्छा जी, मैंने देखा फाइव सीटर गुरखा ना। हाँ यस, अभी कल ही देखा। ओके, मैं देखा भाई की गाड़ी है जेके बड़ा। हाँ हाँ, चलो भाई से मिल लेते हैं। आप जैसे हो भैया? नूरपुर से। हाँ मैं नूरपुर से हूँ। ओके, कुल्लू कितना दूर है अभी? कुल्लू अभी है यहाँ से, अभी कितना है? ये शाम तक पहुँच जाएंगे या नहीं? 12 बजे ड्राइव पे आओ। 12 बजे से पहले नहीं पहुँचेंगे रात को भैया। क्या बोले हम, आप सब्सक्राइबर भाई हो या ऐसे ही? अभी तो मैं रैंडमली देखा। हाँ अपना जम्मू के 2-3 ब्लॉगर को मैं देखता हूँ, फॉलो करता हूँ। अच्छा, उनके साथ देखा? एक को देखा, तो जब ये देखी तो मैं नहीं यार एक बार बात तो कर लेता भाई। चलो ठीक है भाई। ओके जी, ओके भाई जी। अभी हम हिमाचल की सरहद में इंटर कर गए हैं और आप देख पा रहे होंगे जाम तो हमें शुरू में मिल गया है यहाँ पे। अभी तो हमने जस्ट जसूर और नूरपुर ही पार किया है, तो देखते हैं आगे का कैसा रहता है हमारा एक्सपीरियंस और क्या क्या होता है हमारे साथ इस ट्रिप पे, वो सब कुछ आपको दिखाते हैं जरा। तो अभी 3 घंटे गाड़ी चलाने के बाद हम पहुंच गए कांगड़ा में, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। और गाड़ी की कंडीशन आप देख पा रहे होंगे कैसे गंदी हो गई है, क्योंकि पीछे बहुत रोड का काम शुरू था। और अभी यहाँ पे हम कुलचा खाने वाले हैं, भूख लगी है तो यहाँ कुलचा खाएंगे, फिर यहाँ से फिर से रवाना हो जाएंगे। भाई जी अभी शुरू का पहले दिन का पहला कुलचा बना रहे हैं आप, है ना? नहीं। अच्छा बना के आए पीछे सारे ही? अरे वाह, दिहाड़ी तो बना ली था तो आपने, है ना यार? हमें भी कुछ आइडिया दो, ये कुलचा बेचने वाला जुगाड़ ये भाई भी खोलने वाला है। तो अभी हम यहाँ रुक गए हैं आज की नाइट, कल निकलेंगे यहाँ से आगे मनाली की तरफ। यहाँ से 90 किलोमीटर बच गया तो हम पहुँच सकते थे, अभी 8:30 बजे का टाइम हुआ, बट यार क्या करेंगे जाके, छोड़ो।